नमस्कार मित्रों, आदत कैसे लगती है? आदत कैसे लगती है? आदत आपके जीवन में किस तरह से आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है, आज आपको उसको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले जो कारण आता है, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता आज इस पर चर्चा करने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो कारण आता है आदतों का, कि इतना तो चलता है। सबसे पहले आपके दिमाग में जो बात आती है किसी आदत को लेकर, इतना तो चलता है, चाय इतना तो चलता है, ये इतना तो चलता है, कॉफी इतना तो चलता है, इतना तो चलता है से शुरुआत होती है और फिर यहां तक पहुंच जाते हैं। याद रखिए, आदत का पहला जो हिस्सा होता है इतना तो चलता है, फिर होता है कि मैं उसकी आग्रह को मना नहीं कर सकता हूं। किसी ने आपको आग्रह किया, किसी ने आपको मना किया है कि शक्कर नहीं खाना है, शक्कर नहीं खाना है, फिर भी आप शक्कर खा रहे हैं क्योंकि आप बोल रहे हैं कि नहीं, उसने मुझे आग्रह किया और मैं उसकी आग्रह को मना नहीं कर सकता था, मैं उसकी आग्रह को मना नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने वो शक्कर को खा लिया। तीसरा जो कारण आता है आदत का, कि सब कर रहे हैं ये काम, तो सब कर रहे हैं, मैं भी वही कर रहा हूँ, मैं कुछ अलग थोड़ी कर रहा हूँ, सब वही काम कर रहे हैं, मैं भी वही कर रहा हूँ, और फिर वहां से एक आदत का निर्माण होता है। फिर लोग कहते हैं, लोग हंसेंगे अगर मैं नहीं करूंगा तो, लोग हंसेंगे और हंसने को लेकर उस आदत का लोग निर्माण कर देते हैं। फिर बोलते हैं कि मैं तो पहली बार ही कर रहा हूँ, चलो एक बार देख लेते, पहली बार ही तो कर रहा हूँ, पहली बार ही तो चाय पी रहा हूँ, पहली बार तो कॉफी पी रहा हूँ, पहली बार तो मैं शक्कर खा रहा हूँ, पहली बार तो तेलकट खा रहा हूँ, पहली बार तो जहर खा रहा हूँ। ऐसे करते करते लोग पहली बार में ही अपने को आदत का हिस्सा बना देते हैं, आदत का हिस्सा इसी तरह से बना लेते हैं और फिर और वो आदत उनके जीवन का हिस्सा बन जाता है। और फिर ऐसा होता है कि वो 92% में आ जाते हैं, जिनको वो निकाल नहीं सकते हैं, जिनको वो बाहर नहीं कर सकते हैं। तो याद रखिए, आदत बनाते समय बहुत ही कॉन्शियसली काम कीजिएगा, बहुत ही कॉन्शियसली काम कर दीजिएगा कि क्या हो क्या रहा है। तो आज का जो है देखिएगा, अगर आप नई आदत बनाना चाहते तो हमेशा की तरह बोलूँगा, पुरानी आदत को के ऊपर नई आदत को डाल दीजिएगा, आदत छूट जाएगी। धन्यवाद।